नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। एसपीएन नई न्यूज़ में आज आपको बताने वाले हैं कि प्रियंका गांधी जब से मायावती से मुलाकात की हैं उसके बाद से इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जो समझना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज से ठीक 6 महीने पहले अगर बात करें तो यूपी चुनाव को लेकर एक माहौल बनाया गया था कि किस पार्टी का किससे गठबंधन होगा, तमाम तरीके सवाल थे। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी से गठबंधन नहीं करेगा, उसके बाद तस्वीरें साफ हो गई। लेकिन मायावती की जिस तरह से चुप्पी थी, बीएसपी जिस तरह से चुपचाप थे, जिस तरह से सवाल खड़े नहीं कर रहे थे, उससे लोग ये कहने लगे और ये राजनीतिक दल ये कहने लगे कि वो बीजेपी का बी टीम है। जब एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई उसको भी बी टीम बता दिया। लेकिन कल जब बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में जब अचानक से प्रियंका गांधी का जो है वहाँ जाने वाली थी, वहाँ उसके ठीक बाद दिल्ली में जो है मायावती से मुलाकात करती है, और इसके सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस का बीएसपी से गठबंधन हो सकता है। ये सवाल छोटा है लेकिन यूपी चुनाव से पहले बहुत बड़ा एक अहम रोल निभा सकता है अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो। यहीं बीजेपी के लिए भी परेशानियाँ खड़ी हो सकती है कहीं ना कहीं, अगर गठबंधन के साथ अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो। लेकिन उसके ठीक बाद प्रियंका गांधी ने ये भी ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। खैर, बयान तरह तरह के आ रहे हैं लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही कुछ भी तस्वीरें बदल सकती हैं। तो इस चीज को लेकर चर्चा एक अलग बहस छिड़ गई है इन तस्वीरों को लेकर, जब से प्रियंका गांधी मायावती से मुलाकात की है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं में प्रियंका गांधी इस संघर्ष में सबसे आगे चल रही हैं। देखना यही होगा कि अगर बतौर गठबंधन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कौन आगे रहता है, अगर अकेले लड़ती हैं तो क्या प्रियंका गांधी जो रास्ता अपनाई है उस पर वो फतेह पाती हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।